कैपिबारास गिनी पिग के रिश्तेदार हैं, दुनिया के सबसे बड़े कुतरने वाले जीव। जंगल का हर बड़ा जानवर इनकी दावत उड़ाना चाहता है। विशाल बिल्लियां जमीन पर इनका शिकार करती हैं, जबकि हार्पी ईगल आसमान से इनके मासूम बच्चों को निशाना बनाते हैं। इसके पंखों का फैलाव 2 मीटर से ज्यादा होता है और ये दुनिया के सबसे बड़े शिकारी पक्षी हैं। इस मौसम में कैपिबारा के बच्चे खास तौर पर निशाना बनते हैं, जैसे करीब 3 महीने के ये बच्चे। कैपिबारा साल भर प्रजनन करते हैं, पर जो बच्चे गर्मियों के मौसम में पैदा होते हैं उन्हें जिंदगी के कुछ महीने लगातार मौत से जूझना पड़ता है। इनमें से 1/3 ही अपनी पहली सालगिरह मना पाते हैं। ये छोटे समूहों या हरम में रहते हैं, जिनमें करीब 1 दर्जन मादाएं होती हैं और 1 मुखिया नर। इस युवा नर का ये साल अच्छा नहीं रहा। ये 1 ही बार मिलन कर पाया है और इनका ये 1 ही बेशकीमती बच्चा पैदा हुआ, इसलिए ये कुछ ज्यादा ही चौकन्ना रहता है। कैपिबारास तैरने में माहिर होते हैं, वैसे भी समझती है। खाने के लिए ये अपने साथियों से जमकर लड़ते हैं। आपको भले ही घिन आ रही हो, पर ये बेरहम मुर्दाखोर जंगल की सफाई का बड़ा काम करते हैं। ये गिद्ध सड़ती हुई मछलियों को इसलिए पचा पाते हैं क्योंकि इनके पेट में खास तौर पर एसिड तैयार होता है। इनके बिना यहां भयानक जीवाणु पैदा हो जाएंगे और भोजन श्रृंखला में फैल जाएंगे। गर्मियों के मौसम में ये भी खाने की कमी से जूझते रहते हैं। एक युवा मादा इस छीना झपटी में शामिल नहीं हो सकी, इसलिए ये अपना पेट भरने को कोई और चीज ढूंढ रहा है। एक कॉलर प्लवर को फौरन समझ में आ गया है। इसे पता है कि ब्लैक वल्चर्स सिर्फ मुर्दाखोर ही नहीं होते, मौका परस्त भी होते हैं। इनकी निगाह जिस पर पड़ी उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। प्लवर अपने खुले घोंसले की रखवाली कर रही है। इसने बस 2 अंडे दिए हैं। गिद्ध इससे 50 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर गिद्ध ने अंडे चुराने का फैसला किया तो ये प्लवर इसके सामने नहीं टिक पाएगी। पलक झपकते ही दोनों अंडे सफाचट कर लिए जाएंगे। इसके साथी का भी कोई अता पता नहीं है। अब जो करना है इस पिता को ही करना है। गिद्ध आगे बढ़ रहा है और इसके पास बस 1 ही रास्ता बचा है, ध्यान भटकाना। ये अंडों की हिफाजत के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है। ये गिद्ध के सामने यहां वहां भाग रहा है। बहुत तेज रफ्तार से ये अपने घोंसले से दूर चला गया है। अगर ये तरीका कारगर ना हुआ तो ये बेचारा क्या करेगा। गिद्ध चकरा गया है। उसने सोचा कौन चक्कर में पड़े, बेहतर तो होगा इस मछली की ही दावत उड़ा ली जाए। प्लवर की सूझबूझ से इसके अंडे सही सलामत बच गए हैं। सिर्फ गिद्ध ही गर्मियों के मौसम का फायदा नहीं उठाते। जब पानी घटता है तो अमेज़न का सबसे ज्यादा खतरे में पड़ा जानवर अपने बच्चों को तैरना सिखाता है।
लेकिन ये मोटी मखमली खाल इनकी मुसीबत भी बन गई थी। 40, 50 और 60 के दशक में इनका इतना ज्यादा शिकार किया गया कि ये खत्म होने के कगार पर पहुंच गए। इस दौरान करीब 24,000 जायंट ऑटर की स्किन यूरोप और अमेरिका भेजी गई और उनसे कपड़े बनाए गए। इनकी तादाद घटती चली गई। इस मुश्किल दौर में भी कहीं कहीं गिने चुने ऑटर्स बचे रह गए। पेरू में अमेज़न नदी का ये हिस्सा ऐसी ही जगह थी। अगर इस प्रजाति को आने वाले दौर में बचे रहना है तो हर नई नस्ल मायने रखती है। इस समय नदी में इतना कम पानी है कि बची खुची मरती हुई मछलियां एक छोटे दायरे में सिमट कर रह गई हैं। ऐसे में इन्हें खाने वाले जानवरों की चांदी हो गई है। लेकिन जो जानवर जंगल में रहते हैं उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। इस मौसम में तो फल भी नहीं मिलते। कई जानवरों को भूखा रहना पड़ रहा है। ये है एक मादा वुली मंकी जो अपनी टोली के साथ सफर पर निकली है। इस मौसम में इनकी भूख बहुत बढ़ जाती है क्योंकि ये अब बच्चे को जन्म देने वाली है। इसका बच्चा किसी भी वक्त पैदा हो सकता है। इसे गर्भवती हुए 6 महीने हो चुके हैं। ये वो समय है जब इसे मजबूत और तंदुरुस्त रहना होगा। वुली मंकी दक्षिण अमरीका के सबसे बड़े प्राइमेट है और ये बहुत ही पेटू होते हैं। इनकी सारी खुराक फलों से ही पूरी होती है। जब खाना खूब मिले तो ये 100 अलग अलग तरह के फल खाती है। लेकिन ये मुश्किल वाला मौसम है, कहीं कुछ नहीं है। शुक्र है कि ऐसे मुश्किल वक्त में एक पेड़ है जो इसका सहारा बन रहा है, अंजीर का पेड़। ये वर्षा वन के उन चुनिंदा पेड़ों में से एक है जिनमें साल भर फल लगते हैं। इस गर्भवती वोली मंकी और इसके पेट में पलते बच्चे के लिए ये डूबते को तिनके का सहारा जैसा है। अंजीर के पेड़ की तलाश में जानवर कई किलोमीटर का सफर तय करते हैं। ये है ब्राउन कैपोचिन मंकी जो पूरे जंगल में अंजीर की खुशबू का पीछा कर रहे थे। ये शांति से अंजीर के छतनार पेड़ पर दावत उड़ा सकते हैं। यहां इतनी जगह है कि कोई किसी को तंग नहीं करता। लेकिन जब वूली मंकी भी यहां आ गए तो उनसे आकार में आधे होने की वजह से कैपुचिन को अलग हटना पड़ा। वोली मंकीज फल खाने के बाद अपने मल से जंगल में 800 से ज्यादा बीज बिखेर देते हैं और ऐसे ही जंगल में अंजीर के नए पेड़ उगते हैं। अंजीर के पेड़ का एहसान ये इस तरह से चुकाते हैं। सचमुच अंजीर का पेड़ साल भर फल उगाने के लिए बहुत ऊर्जा खर्च करता है। ये जितने भी फल उगाते हैं सब मायने रखते हैं। जो जमीन पर गिर जाते हैं वो बेकार नहीं जाते, इकोसिस्टम में अपना योगदान करते हैं। जंगल का एक नन्हा सबसे मेहनतकश बाशिंदा है लीफ कटर एंट। ये बड़ी ताकत लगाकर इन गिरे हुए फलों को जमा करती हैं।
अपने नाम से अलग ये सिर्फ पत्तियां ही नहीं खाती, ये पौधों के किसी भी हिस्से को खा सकती हैं। ये अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती हैं, इसलिए गिरे हुए अंजीर को उठाने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। इनकी एक बस्ती में लाखों चींटियां होती हैं। ये बहुत ही पेचीदा बस्तियां होती हैं। ये रोजाना खाना जमा करती हैं, जो कुछ भी मिलता है उसे काट कर जमा करती हैं और घोंसले में वापस ले जाती हैं। पर ये इनके खाने के लिए नहीं है, ये एक बिल्कुल अलग जैविक रचना के लिए है, फफूंद के लिए। जमीन के बहुत अंदर अपने घरों में इन नन्हे किसान जीवों ने बीते 1.5 करोड़ सालों में एक बहुत ही खास तरह के सूक्ष्म जीव को पालतू बना लिया है। फफूंद पत्तियों को खाती है और चींटियां इस फफूंद को। गर्मियों का मौसम इनके पौधों के लिए बहुत मायने रखता है। इसी मौसम में इन्हें फफूंद के अपने खेतों को बिल्कुल दुरुस्त करना पड़ता है। जल्दी ही बस्ती में नई रानियां पैदा हो जाएंगी। ऐसी हर चींटी घोंसले से दूर उड़ जाएगी। इसके मुंह में होगा फफूंद के बागीचे का एक टुकड़ा, जिससे ये नई बस्ती बनाएगी। पहले से बहुत सारा खाना जमा करना इनके लिए जरूरी होता है, ताकि नई रानियों का पेट भर सके। चूंकि इन दिनों बारिश बहुत कम होती है, इसलिए चरने का खूब समय मिलता है और खूब सारी पत्तियां जमा करके चींटियां फफूंद के लिए ले आती हैं। चींटियों का ये खेल जारी है। ठीक इसी तरह नदी में केमन का भी खेल जारी है। इसकी निगाहें नन्हे कैपिबारा पर अब तक टिकी हैं। इस वजह से पिता को तनाव हो रहा है। कैपिबारा को एक दिन में 3 किलो खाना चाहिए। इस इलाके को सफाचट किया जा चुका है। जंगल में जाने का मतलब है हमलावरों का सामना करना, इसलिए नदी के सहारे आगे बढ़ना सही रहेगा। केमन को भी यही लग रहा है कि कैपिबारा आसपास रहे और ये उसका शिकार कर सके। ये बहुत धीरज के साथ घात लगाता है, इतना धीरे कि शिकार को पता भी ना चले। हमले के सही पल का इंतजार करता हुआ नन्हा कैपिबारा केमन के लिए एक अच्छा नाश्ता है। इसके मम्मी पापा से कौन पंगा ले? एक आगे है, दूसरा पीछे, बच्चा बीच में सुरक्षित है। लेकिन अचानक इसका ध्यान भटक गया है और ये नदी के किनारे के बहुत पास आ गया है। इसका मतलब ये है कि केमन इसका शिकार आसानी से कर सकता है। डैडी ने सोचा कि डुबकी लगा ली जाए। वो अपनी नन्ही बेटी को भी पानी में आने को उकसा रहा है। मम्मी उसके पीछे है, पर बच्ची को घबराहट हो रही है। वो किनारे पर ही रुक गई है, जबकि इसके मम्मी पापा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। केमन के लिए धीरज का फल मीठा होने वाला है। अपनी मजबूत दुम को थोड़ा सा ही फटकार कर ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। कुछ ही सेकंड में ये किनारे पर पहुंच जाएगा। जान बचानी है तो इस नन्ही कैपिबारा को आगे बढ़ना होगा। वो नदी में उतर गई है। लंबा इंतजार बेकार चला गया, शायद अगली बार काम बन जाए। एक तो नाकामी, ऊपर से ये परेशानी। देखिए किस तरह ग्रीन हाउस फ्लाइज इसके माथे पर उधम मचाते हुए दावत उड़ा रही हैं। अपने आरी नुमा मुंह से ये केमन की मोटी चमड़ी को काट लेती हैं और इसका खून पीती हैं। लेकिन ऐसा वो गर्मियों के मौसम में ही करती हैं।
क्योंकि ये इनके अंडे देने का मौसम है, इसलिए खून पीकर ये ज्यादा से ज्यादा मजबूत होना चाहती हैं। केमन इनसे बचने के लिए भले डुबकी लगा ले, पर जब वो फिर ऊपर आता है तो ये फिर इसके ऊपर आकर जम जाती हैं। ये पानी पर फैली डाल पर घोंसला बनाएगी और दो या तीन अंडे देगी। ये बड़ा ही जोखिम का काम है, खास तौर पर इन नासमझ पक्षियों के लिए। वर्जिन 6.4 करोड़ साल पुराने पक्षी हैं, आधुनिक पक्षियों और डायनासोर के बीच की कड़ी। इन्हें पहली नजर में देखकर लगता नहीं है कि ये प्रजाति इतने लंबे समय से जीती चली आ रही है। अजीब सी काया, नीला चेहरा और लड़खड़ाते से दिखने वाले ये पक्षी अमेज़न की बाकी प्रजातियों जैसे आक्रामक नहीं है। हालांकि इनके पंख बड़े होते हैं, पर ये उड़ने में इतने माहिर नहीं हैं, बल्कि ये डालियों पर चलकर आगे बढ़ते हैं। देखकर लगता है कि ये कैसे जिंदा रह पाएंगे, पर आज तक इनकी अच्छी खासी तादाद बनी हुई है। इसकी वजह है जिंदा रहने की इनकी अनूठी रणनीति। ये बदबूदार होते हैं, अपनी बदबू की वजह से ही इनका नाम स्टिंक बर्ड पड़ गया है। और इसकी वजह है इनकी खुराक। बाकी पक्षियों के उलट वर्जिन ज्यादातर पत्तियां खाते हैं। ये शाकाहारी हैं। पक्षियों की दुनिया में ये गाय जैसे हैं। ये अकेले ऐसे पक्षी हैं जिनकी खुराक वाकई अजीब है। मैनग्रोव की कड़क पत्तियां पचाने में बहुत मुश्किल होती है। एक पत्ती को पचाने में 2 दिन लग जाते हैं। इसकी वजह से इनकी गंध सड़ती हुई खाद की तरह होती है, और इस बदबू की वजह से ही ये आज तक जिंदा बच पाए हैं। इनका तकरीबन कोई शिकारी ही नहीं है। लेकिन सिर्फ बदबू से इनकी जिंदगी आसान नहीं हो जाती। इस मादा को कदम कदम पर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। ये प्रजनन का मौसम है और बहुत ही मुश्किल समय। जैसे ही ये अंडे देती है, हमलावर इतने लालच में आ जाते हैं कि वो इसकी बदबू की परवाह ना करते हुए अंडों को खाना चाहते हैं। जब बारिश शुरू होगी तब इस इलाके में बाढ़ आ जाएगी, यानी अगली पीढ़ी भी उसमें बह सकती है। इसलिए इस मादा ने अपने घोंसले के लिए पानी पर झूलती एक डाल को चुना है, ताकि बारिश आए तो ये और इसके 2 या 3 चूजे जमीनी हमलावरों से दूर रहें, सूखे और सुरक्षित। इसकी खासियत है घने झुरमुट में इतनी छिपी जगह चुनना कि पैनी निगाह वाले किसी हमलावर की निगाह भी यहां पहुंच ना पाए। अगर पहुंच भी गई तो वर्जिन्स उनसे निपट सकते हैं। अगर कोई शिकारी पक्षी आया तो वयस्क वर्जिन तेजी से भाग जाते हैं, ताकि हमलावर का ध्यान चूजों से भटक जाए। पिछले साल पैदा हुए बच्चे अभी भी यहां रह रहे हैं। ये अपने छोटे भाई बहनों की हिफाजत करते हैं। ज्यादातर पक्षियों की तरह ये अजीब से पक्षी भी अपने चूजों को पचाया हुआ खाना देते हैं, वो भी बहुत ही कम उम्र से।